बुधवार को खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने अभिहित अधिकारी अजीत कुमार और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिभा त्रिपाठी के नेतृत्व में रामगढ़ ताल स्थित नौका विहार पर आइसक्रीम विक्रेता और ठेला लगाकर खाद्य पदार्थ बेच रहे दुकानदारों के खाद्य पदार्थों और प्रतिबंधित हो चुके पॉलिथीन थर्माकोल के गिलास और प्लेट का गहन निरीक्षण किया और प्रतिबंधित हो चुके पॉलिथीन और थर्माकोल के उपकरण के प्रति जागरूक किया। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिभा त्रिपाठी ने ठेला लगाकर खाद्य पदार्थ बेच रहे दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्य विभाग से प्रमाण पत्र बनवा ले, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अभिहित अधिकारी अजीत कुमार राय ने कहा, जो है वो कामें नहीं कर रहे हैं। कंपनी पैक कुछ भी नहीं, जहर चाहे वो पैक्ड हो चाहे खुला हो, जहर ही होता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक को बुला लेते हैं, अपना पता लगा। मालिक हम लोग तो नेपाल के काम करते हैं, यहाँ का पता बताओ। हाल मुकाम का वहीं पर रहते हैं, घर पे यहाँ का पता बताओ यार। यही क्या बोलते हैं, भगत भगत चौरा। देखो इनका बना है, तुम ही बनवा लो। मालिक का नाम जरा बताना। मालिक का नाम गौरव। गौरव ऑनलाइन मतलब कुछ जी सर, मुझे किस फोटो क्या होगा सर? यहाँ नोटिस कट रहा है। संदीप तिवारी है। आज हम लोग सम्मिलित रूप से और समन्वित रूप से पॉलीथीन और थर्मोकोल के विरुद्ध अभियान एवं साथ ही खाद्य पदार्थ जो खाद्य कारोबार करता है उसको जागरूक करने के उद्देश्य से चले हैं। ये अभियान के साथ साथ जागरूकता अभियान भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है रामगढ़ ताल। शाम में यहाँ काफ़ी जनता की भीड़ होती है, घूमने वाले की रमणीक प्लेस भी है। तो यहाँ काफ़ी छोटे छोटे खाद्य कारोबार करता आइसक्रीम या अन्य तरह के जैसे कि रेडीमेड फूड, फास्ट फूड, इस तरह की बिक्री यहाँ होती है। तो हम लोगों ने इधर ध्यान दिया कि ये संवेदनशील प्लेस है, यहाँ सब जितने भी खाद्य कारोबार करता और आम जनता हैं उनको जागरूक किया जाए कि पॉलिथीन बैन हो चुका है, थर्मोकोल का कप प्लेट बैन हो चुका है और सबको घूम घूम के सबका यहाँ सर्वे भी किया गया और सबको बताया भी गया कि प्लास्टिक थर्मोकोल का कोई भी कंटेनर, कोई भी थैला, कैरी बैग, टम्बलर ये सब नहीं रखें। और सबको जागरूक करके जानकारी भी दी गई कि जितने भी ये सब छोटे छोटे खाद्य कारोबार करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लें, रजिस्ट्रेशन हेतु जागरूक किया गया, यही आज का उद्देश्य था जी। हाँ, चालान वाटर पार्क में स्थित जो कैंटीन है उसका खाद्य लाइसेंस भी नहीं है और पॉलीथीन भी मिला, तो 5,000 का जुर्माना वाटर पार्क में वसूला गया, उनको रसीद 5,000 का काट कर दिया गया।